नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। लगातार तेज प्रताप यादव अपने कार्यों को लेकर के सुर्खियों में बने रहते हैं, मीडिया का भी पूरा जमावड़ा उनके साथ लगा रहता है। अब तेज प्रताप यादव अपने अन्य कारणों से काफ़ी चर्चा में है। कल उन्होंने जिस तरह की बातें की, एक अलग संगठन बनाया, उसके एक दिन पहले उन्होंने इस्कॉन मंदिर को लेकर के बहुत सारी बातें कही, लेकिन हम जो बात कहने के लिए आपके सामने आए हैं वो एक अलग बात है। इस पूरे प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी ने खोज निकाला है कि आखिर तेज प्रताप यादव को ऐसा क्यों करना पड़ा। तेज प्रताप यादव को लेकर के बड़ा ही सॉफ्ट रहती है भारतीय जनता पार्टी, और खास करके आरजेडी के विरोधियों की बात करें तो, कारण कि तेज प्रताप यादव जिस तरह का एक्टिविटी करते हैं उससे इन लोगों को बोलने का मौका मिलता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद का नाम हमेशा कैश करके आपस में ही एक दूसरे पर दबाव बनाने का कोशिश होता है एनडीए में, बिल्कुल उसी तरह से तेज प्रताप यादव भी अब पूरी तरह से ट्रेंड करने लगे हैं। उनके व्यवहार, उनके बात करने की शैली या उनका जो एक्टिविटी है उसको लेकर के जो विरोधी हैं आरजेडी के, वो हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं। आज सहयोग कार्यक्रम में अन्य कार्यों के अलावे इस पर चर्चा जबरदस्त ढंग से हुई। पत्रकारों ने जैसे ही सवाल पूछा तो लगता है जैसे तैयारी करके बैठे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। लगातार दोनों ही नेताओं ने जम करके बताया कि आखिर तेज प्रताप यादव को क्यों जरूरत पड़ी अलग से अपना संगठन बनाने की। अब इस संगठन को लेकर के तेज प्रताप यादव ने जो जो बातें कही है और इस संगठन क्या करेगा ये तो बाद में पता चलेगा, और तेज प्रताप यादव ने इस पर स्पष्ट भी कर दिया है, लेकिन क्या कारण बता रहे हैं आप देखिए। नीरज कुमार बबलू, उनका सुन लीजिए, उसके बाद एक और नेता हैं, एक और मंत्री हैं नीतीश सरकार में भारतीय जनता पार्टी से, उनकी भी बात सुनाते हैं। पहले सुनिए कि नीरज कुमार बबलू ने क्या कहा। पार्टी बनाए, विंग बनाए, काम करे, हम लोगों की शुभकामना है। अपने हर व्यक्ति को अपने टैलेंट का उपयोग करने का क्षमता होना चाहिए, काम होना चाहिए, पूरा प्लेटफॉर्म है अपना, लोग काम करे, अच्छी बात है। इस टैलेंट को अपने घर भी बुलाइएगा क्या, मतलब बीजेपी में? अगर हमको जरूरत होगा हमारे पार्टी को तो हम लोग विचार करेंगे, अभी हमारे पार्टी में जरूरत नहीं। आप कह रहे बहुत टैलेंटेड है, तो टैलेंटेड अपना काम करे, जनता का काम करे, हम लोग चाहते हैं कि जनता का वो काम करे, अपने टैलेंट का उपयोग करे, जनता का काम करे। आपने सुन लिया, नीरज कुमार बबलू जो कारण बता रहे हैं बिल्कुल उससे अलग कारण जो है वो सम्राट चौधरी बता रहे हैं। सम्राट चौधरी कभी संबंध उनका भी आरजेडी से रहा है, लालू प्रसाद ने उन्हें मंत्रालय भी दिया था, विवाद भी हुआ था, बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन अब सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं तेज प्रताप यादव को लेकर के और किस तरह का वो राज खोल रहे हैं, आप खुद सुनिए सम्राट चौधरी के जुबान से। राजद के एक युवराज अब एक अलग विंग बना, राष्ट्रीय जनता दल काम करने में अक्षम हो गई है, इसलिए ना राष्ट्रीय जनता दल के एक युवराज को एक व्यवस्था खड़ा करनी पड़ रही, अक्षम हो गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये हमारा दोष नहीं है, भाजपा जनता दल यूनाइटेड तो बिहार के विकास के लिए काम कर, यदि राष्ट्रीय जनता दल अक्षम हो गई है तो हमारा कुछ नहीं करना। वो अक्षम हो गई तो तेज प्रताप ने अलग एक दुकान खोल दिया, हम उसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन जदयू विधायक तो आपने सुन लिया, अब आप इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। भारत लाइव आपके प्रतिक्रिया का, आपके कमेंट का इंतजार करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।